सभी बंधुओं से आग्रह है 7:15 में उपस्थित हो जाना, ठीक। उसका हम लोग केमिस्ट्री क्लास करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, मतलब पहले हम लोग क्लास 12 का जितना टॉपिक उसको कम्प्लीट करेंगे। जब फिजिकल नहीं हम बोल रहे हैं, क्लास 12 में जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जिससे है उस अकॉर्डिंग हम लोग चल के सबसे पहले क्लास 12 खत्म करेंगे, आफ्टर डेट हम लोग क्लास 11 में जाएंगे। होप सो फरवरी मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिजिक्स थोड़ी है, उसमें बहुत हार्ड हार्ड न्यूमेरिकल होगा, बहुत हार्ड हार्ड मैथमेटिक का फॉर्मूला होगा। हाँ थोड़ा बहुत तो लगाएंगे, चलो ठीक है। इजी क्वेश्चन करने मजा नहीं आता है ना, चलो ठीक है, देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, ऑलरेडी तुम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है, एक ब्रीफ रिवाइज हम कर दें। सपोज कर यहाँ पे चार्ज 1 है और यहाँ चार्ज 2 है, तो इन दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या होता है भैया, तो हमको पता है यहाँ फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू के क्यू 1 क्यू 2 अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन डैम, आर क्या है सेपरेशन है, ठीक है। यदि कोई थर्ड चार्ज आ जाता है, मानो थर्ड चार्ज क्यू 3 आ जाता है, तो अभी भी इन दोनों पे लगने वाला चार्ज इतना ही होगा, इस चार्ज से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा, जो किसके बराबर होगा के क्यू 1 क्यू 3 अपॉन, ये मान लो इसको आर 2 बोल देते हैं, तो आर 2 का स्क्वायर। इन दोनों पे भी काम ऐसे करना शुरू कर देगा फोर्स, यहाँ भी तुम्हारा फोर्स हो जाएगा के क्यू 1 सॉरी क्यू 2 क्यू 3 अपॉन आर 3 का स्क्वायर, बस अंदर है। तो हर फोर्स इंडिविजुअली काम करेगा, दैट मीन इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इसके फोर्स से उसको कोई लिंक नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा थर्ड चार्ज उस पर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, दिस चार्ज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इस चार्ज का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन यदि सबको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यही बेसिकली मूलभूत कंसेप्ट है, दैट मीन समझ करो कि हमें मानो यहाँ दो चार्ज दिया, मानो क्यू 1 और यहाँ पे दिया है क्यू 2 और यहाँ तीसरा चार्ज है मानते हैं क्यू 3, तो हमको बोलता है कि नेट फोर्स चार्ज निकालो क्यू 3 पे, नेट फोर्स चार्ज निकालना है क्यू 3 पे, तो इस पे लगने वाला दो फोर्स है, कितना फोर्स है इस पे लग रहा है, क्यों दो फोर्स लग रहा है, एक इसके द्वारा लग रहा है और एक इसके द्वारा लग रहा है, तो पहले इसके द्वारा फोर्स ये रहा, मान लेते हैं क्या है फोर्स 3 पे लग रहा है ड्यू टू 1, और फिर इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यदि रिपल्सिव फोर्स है, ये दोनों का नेचर सेम है, रिपल्सिव है तब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लग रहा होगा एफ 3 ड्यू टू, ये क्या लिखे हुआ 3 या 2 है तो 2, तो अब ये दो फोर्स हो गया। अब हम बोलते हैं ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच का फोर्स है, और ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का फोर्स है, दो फोर्स है, दोनों को ऐड करना है, सिंपली क्या करेंगे वेक्टर एडिशन करेंगे, सिंपली क्या करेंगे वेक्टर एडिशन करेंगे, मतलब एफ नेट यदि हमको यहाँ से निकालना होगा तो क्या निकालेंगे बताओ, कि वेक्टर 3 1 प्लस वेक्टर 3 2, ये होगा दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है। तो इसी पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ एनसीईआरटी का सवाल है, कुछ पीएसई का सवाल है, कुछ आईआईटी मेंस का सवाल है, कुछ आईआईटी एडवांस में पहुँचेंगे, ठीक। देखो हम बता रहे हैं, सुनो बता रहे हैं, यदि तुमको 5 मंजिल तक का जंप लगाना है ना, तो लक्ष्य रखो चंद्रमा का जन लगाने का, एटलीस्ट 10 मंजिल का भी तो लक्ष्य रखोगे ना, तुमको यहाँ से कूदना है कुछ हाइट पे, 5 मंजिल तक कूदना है, या मानो एक सर्टेन हाइट तक कूदना है, तो लक्ष्य हमेशा उसके ऊपर ही होना चाहिए, छोटा नहीं तुम वहां से स्लिप भी कर दो ना, तो गिरते गिरते तुम अपने मंजिल पे पहुंचोगे ही, तुम लक्ष्य यहाँ रखोगे ना तो कूदोगे ना, तो हो सकता है नहीं भी पहुंच पाओगे, बस समझ में आया, तो थोड़ा सा लेवल को इनहेंस करके ही रखो, ठीक है। हम यहाँ पे अवेलेबल है तुमको पढ़ाने के लिए, तुम लोग पढ़ो, मजा लो, क्या मजा लो, फिजिक्स है मैथ है, थोड़ा मजा लो। चलो सिंपल सवाल शुरू करते हैं, ट्रायंगल से, दिस इज अ ट्रायंगल, यहाँ पे चार्ज है मानो क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, सब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो हमको निकालना है भैया साहब, मान लो इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, बोलते हैं फाइंड नेट चार्ज, फाइंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है, एंगल कितना होता है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, ठीक। बोलता है फाइंड नेट चार्ज, नेट सॉरी चार्ज फोर्स निकाल रहे हैं ना, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्ज किसे निकाले, किसे एक पे निकालो, इस पे निकाल लेते हैं चार्ज 2, चार्ज दो, जो क्यू, ये जो चार्ज दूसरा चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसके बारे में बताना है,
ठीक है, बात कर रहे थे क्या कर रहा था पगला पगला सर। चलो तो बोल, तो हम क्या बोले, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, इसके द्वारा जो चार्ज लगेगा, इन दोनों चार्ज में जो फोर्स लगेगा, इसके प्रदेश में, इन दोनों के फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम बताए थे नहीं बात, कुछ एग्जांपल बताए थे कि दोनों प्यार है और इसमें बीच में घुस जा रहा है तीसरा प्यार, तो तीसरा प्यार इसके दोनों प्यार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। चलो ठीक है, चलो क्यू यहाँ पे हो गया। अब देखो ठीक ठीक ठीक, अब आते वापस बैक टू पर। तो अब देखो ये दोनों फोर्स पॉजिटिव, सॉरी दोनों चार्ज पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, सेम चार्ज रिपल्सिव, दैट मीन्स इधर फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या है, फोर्स थ्री सॉरी टू पे है ना, टू है ड्यू टू थ्री, कोई दिक्कत, फोर्स ड्यू टू थ्री। चलो अब देखो ये फोर्स इसको इधर, ये दोनों सेम चार्ज रिपल्सिव इधर ठेलेगा इसको, दिस इज रिपल्सिव, ये फोर्स टू ड्यू टू वन, ठीक है, दो फोर्स है। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री। चलो ये फोर्स हो तो कितना है, तो के क्यू वन क्यू टू दोनों सेम चार्ज है, तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं बट्टा ए सप्रेशन का स्क्वायर, ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक। इसमें इसका फोर्स हो तो क्या होगा, यहाँ पे सेम आएगा, देखो सेम आ रहा है, ठीक। देखो दोस्त अब हम बताएं, मैं थोड़ा वेक्टर, थोड़ा वेक्टर देखो हम बताए, देखो बिना वेक्टर से सवाल बन जाएगा, नहीं बिना वेक्टर सवाल बनेगा नो पॉसिबल नहीं है, वेक्टर जिसको नहीं आ रहा है कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा ये। हाँ चलो देखो, यदि देखो देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ तक ठीक। देखो हमको यदि पता है, यदि ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, तो एफ नेट का जो फॉर्मूला बनता है भैया, एफ नेट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फैक्टर, ठीक। ये होता फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट करो, आंसर निकालो। लेकिन एक हम और बात बताए थे, थोड़ा सा इसमें स्पेशल केस बताए थे, दोनों फोर्स सेम है, ये एफ है ये भी एफ है, दोनों फोर्स सेम है, एंगल थीटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला करना, यूज करना एफ नेट का, क्या बता दो, टू एफ कॉस थीटा बाय टू। ये आया कहां से, इसको सॉल्व करने के बाद आया, कोई दिक्कत तुमको प्रियंका बताया ना ये फॉर्मूला, देख लेना ये फॉर्मूला बताएंगे, ठीक। हाँ तो अब देखो यहाँ पे दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है, तो यहाँ पे एफ नेट फॉर्मूला क्या होता है भैया बताओ, टू एफ, इसको एफ मान लेते हैं, टू एफ कॉस थीटा बाय टू। चलो 2f, f कितना है, दिस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस थीटा, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, हो गया 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना होता है, हाफ होता है, रूट थ्री बाय टू होता है, साइन 30 हाफ होता है, ठीक है, हो गया आंसर रूट थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, यदि एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो ट्रायंगल था, अब क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक, और हर स्क्वायर का साइड ए है, ठीक है, ए साइड है, ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं माइनस क्यू देते हैं, यहाँ प्लस क्यू, cos 60 नहीं है यार, माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है, तो किसी एक पे निकालते हैं, इसी पे निकाल देते हैं, इसको बोल देते हैं वन, इसको बोल देते हैं टू, इसको बोल देते हैं थ्री, इसको बोल देते हैं फोर, तो किस पे, इस पे भी बात कर लेते हैं, टू पे, फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्ज टू ड्यू टू, ड्यू टू अदर चार्जेस, अदर चार्जेस, इन सब चार्जेस का इस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स वो निकालना है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इन दोनों को इधर लगेगा फोर्स, कितना लगेगा, फोर्स टू ड्यू टू थ्री,
अच्छा देखो गलत सही लिखे गलत लिखे हैं नहीं नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव ठीक है फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव कोई दिक्कत एफ टू थ्री चेक अजो नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव कोई दिक्कत टू वन चलो अब इन दोनों को यहाँ दो ये वाला लाइन है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग का अलाउ ही होता है फोर्स शुड बी अलाउ दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस जो चार्ज का लाइन है ना तो इस लाइन के अलाउ ही होगा फोर्स ऐसा नहीं हो सकता इन दोनों का फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है या इन दोनों का भी या फोर्स इसके अलाउ होगा या इसके इधर होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता फोर्स ऐसे हो जाए बात समझ में आया हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के ही जैसे ये लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके अलॉन्ग ही होगा दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कूलम फोर्स बताए थे ठीक है चलो तो अब इन दोनों का फोर्स भी इसके अलॉन्ग होगा चलो तो यहाँ पे ऐसे ये दिस फोर्स ठीक है ये फोर्स क्या है फोर्स एफ टू थ्री फोर है सॉरी फोर टू फोर ठीक है रिपल्सिव हो गया ओ सॉरी सेम चार्ज है ना सही बोल रहा है रिपल्सिव इन नेचर होगा ठीक ठीक है तो रिपल्सिव इन नेचर होगा दैट मीन्स इस डायरेक्शन में क्या है टू पे लग रहा किसी द्वारा फोर द्वारा क्लियर है ये हो गया तुम्हारा डायग्राम हो गया अब देखो यहां हमारे पास दो फोर्स है दिस फोर्स एंड दिस फोर्स पहले इस दो फोर्स को सॉल्व करते हैं इस दो फोर्स को सॉल्व करते हैं इसका रिजल्टेंट बताओ किधर आएगा इधर आएगा रिजल्टेंट हम बताए हुए हैं दो फोर्स होता है सिंपल ये फोर्स है और ये फोर्स है रिजल्टेंट पक्का बीच में आएगा ठीक है क्योंकि ये पैरेललोग्राम ऐसे बनाता है ठीक कोई दिक्कत चलो तो चलो इस ये फोर्स निकालते हैं इस फोर्स को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हम देख लेते हैं इस दोनों के बारे में एफ टू वन देख लेते हैं पहले एफ टू वन को देख लेते हैं एक बार एफ टू वन कितना है तो ये हो गया के देखो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लिख रहे हैं या वेक्टर साइन दे रहे हैं सर के नहीं दे रहे हैं जब भी मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लिख रहे हैं हम लोग तो बता रहे हैं साइन को नहीं इंक्लूड करना साइन को इंक्लूड नहीं करना ठीक साइन को इंक्लूड नहीं करना जब वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तब वहां पे साइन को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं यूज कर रहे चलो तो के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर कोई दिक्कत तो ये भी देखो कितना है के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर कोई दिक्कत दोनों फोर्स सेम दोनों फोर्स सेम तो यदि हम इसको आर लिख देते हैं आर वेक्टर लिख देते हैं आर आर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है आर है ठीक तो हम लोग आर लिखते हैं तो आर के लोग क्या आ जाए बताओ टू मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिख रहे हैं आर टू एफ इसको एफ बोल देते हैं इसको भी एफ बोल दोनों सेम है ठीक टू एफ कॉस थीटा बाय टू आर टू एफ कितना है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ठीक है और कॉस थीटा दो यहाँ एंगल कितना है स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा डेट मीन्स कॉस 45 हो जाए यहाँ पे कॉस 45 डिग्री चलो अगर टू के क्यू स्क्वायर अपॉन हाँ वन बाय रूट टू ठीक है ये कट जाएगा यहाँ से रूट टू तो टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कोई दिक्कत कोई समस्या तो ये आया है आर कोई दिक्कत अब ये बताओ ये कितना होगा ये बताओ देखो इन दोनों प्रोडक्ट के क्यू स्क्वायर बाय सेपरेशन का हाँ एक सेकंड मतलब कहाँ पे ये टू एफ कॉस थीटा बाय टू कहाँ से आया टू का मतलब होता है रूट टू इंटू रूट टू टू का मतलब क्या रूट टू बाय रूट टू नीचे में यदि रूट टू ले आएंगे यहाँ पे इसे एक कट जाएगा एक रूट टू बच जाएगा ठीक चलो अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा देखो ये ए है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रूट अंडर टू ए स्क्वायर तो क्या रूट टू ए हो गया क्या आ गया रूट टू ए कोई दिक्कत नहीं ना पाइथागोरस लगा दिए रूट टू ए तो रूट टू ए का स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर
के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलो तो दो फोर्स अपोजिट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो दो फोर्स सेम डायरेक्शन होता है एडिशन करते हैं, दो फोर्स अपोजिट होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है? चलो तो माइनस कर दो, तो एफ नेट इक्वल क्या ले लेंगे, एफ नेट आ गया हमारा आर वेक्टर माइनस क्या था एफ टू वेक्टर, ये आर वेक्टर है माइनस एफ टू फोर, ठीक है? माइनस शुड बाई लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एफ नेट क्योंकि आर माइनस एफ टू बाई फोर, ठीक? ये कितना निकला रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये कितना निकला है वन के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर, ऐसा है के रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ठीक? चलो यार कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, यहाँ से रूट टू माइनस वन बाय टू, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, पानी पिला दो, माना नहीं चाहिए। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है आज हम पढ़ाएंगे ना देखना ना। चलो Q Q Q Q क्या लड़का को माना चाहिए, किसी को नहीं माना चाहिए, किसी को नहीं माना चाहिए, मारना आप सही है, उम्र थोड़ी ढाफ है, फाइंड दी रेशियो, हाँ बात से रोला दो रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाय क्यू, ठीक है ये रेशियो फाइंड करना है, सो डैट पहला सवाल इसमें है नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज थ्री इज जीरो, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन नेट फोर्स ऑन चार्ज वन इज जीरो, ठीक? कोई दिक्कत? बोल रहा है क्या इस दोनों का रेशियो निकालना है, ये जो स्पीड नेट फोर्स किस पे, एक वन पे अच्छा वन पे तीन पे नेट फोर्स, स्पीड नेट फोर्स जीरो है पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है क्या स्पीड नेट फोर्स जीरो किस पे, वन पे स्पीड नेट फोर्स जीरो है, या इस वन नहीं रखो यहाँ पे ये रख दो और टू रख दो टू, ठीक? चार्ज टू पे क्या नेट फोर्स जीरो है, इसमें नेट फोर्स जीरो, इसमें दो क्वेश्चन है, एक इसमें नेट फोर्स जीरो है एक इसमें नेट फोर्स जीरो, ठीक? चलो बनाते हैं, आसान क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस पे एफ नेट किस पे जीरो है भैया, चार्ज थ्री पे जीरो है, तो अपने पे चार्ज कितना लग रहा है देखो, इन दोनों के कारण इधर लगेगा फोर्स थ्री डू टू फोर, इसके कारण इधर लगेगा फोर्स थ्री डू टू टू, और इसके कारण इधर लगेगा फोर्स थ्री डू टू वन, ठीक है? चलो
यहाँ पर आते हैं, फोर्स 3/4 का मैं कितना पता, के क्यू स्क्वायर, के क्यू बड़ा छोटा क्यू का और जो ए ए है मान लेते हैं, जैसे ए या एक्स ए की जगह आर मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक ठीक है। और ये उधर ये दोनों का स्क्वायर, ये भी आर है, सब आर है, दोनों फोर्स सेम, दोनों फोर्स सेम, तो इन दोनों से मतलब इससे मानते हैं इन दोनों का नेट, इन दोनों का नेट क्या लिख आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं आर लिख देते हैं, ठीक कंफ्यूज ना हो, आर लिख देते हैं, इन दो आर क्या है, आर इज द रिजल्टेड ऑफ दीज टू फोर्स, आर इज द रिजल्टेड ऑफ दीज टू फोर्स, ठीक इसको एफ बोल देते हैं, इसको भी एफ बोल देते, दोनों सेम है, चलो 2f cos θ/2, तो 2f कितना है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ cos थीटा, cos यहाँ तो 90 डिग्री, cos थीटा 45, 45 क्या है √2, 1/√2, ये कट गया √2 यहाँ से, तो आंसर यहाँ से कितना आ गया, √2 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, दैट मीन्स इधर ये रिजल्टेंट है, इधर इधर ए आर आ गया, ठीक कोई दिक्कत, ऑब्वियसली इन दोनों इन दोनों रिजल्टेंट किधर आया, इधर ही आएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक। अब इन दोनों फोर्स जो है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा, तो यहाँ से लिख दो एफ नेट, ये कितना हो, ये हो गया आर प्लस एफ 3/1 कुछ 0, ठीक है कोई दिक्कत, तो एफ 3/1 लिख लेते कितना होता है, एफ 3/1 ये दोनों क्यू क्यू का स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर डिवाइड बटा ये डिस्टेंस बता कितना, √2r होगा, जस्ट निकालें √2r होगा ना, √2 का स्क्वायर 2r स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलो तो ये दोनों सेम है, तो ये तो यहाँ पे दूसरा कलर से करते, कहीं भुतला ना जाओ, कौन सा कलर, ब्लू कलर देते हैं, ब्लू कलर, ठीक है, तो एक आया ये आर, ये आर है, और यहाँ पे ये आ गया है ये दूसरा फोर्स, तो इन दोनों फोर्स को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या यहाँ पे √2 के बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर 0, ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या √2 के क्यू छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर -2 के क्यू स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ से ये कट गया, कोई दिक्कत, यहाँ से ये √2 कट के यहाँ √2 आ गया, ठीक चलो, एक के कट गया यहाँ से और एक क्यू क्यू भी कट गया, तो क्या क्या कट गया भाई, सब तो कट ही गया, यहाँ क्यू बच गया, यहाँ पे -√2 क्यू बच गया, वो निकालना क्या था, क्वेश्चन देखो तो रेशियो निकाला कैसे, किसमें क्यू बाय क्यू, तो ये क्यू बाय क्यू क्या √√2 आ गया, ऐसा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है, तो अब ये सवाल बन गया, अब ये सवाल तुम लोग बना लोगे, ये वाला 2 पे इस पे नेट चार्ज 0 कर दो और इसे निकालो, तो कोशिश करोगे, निकालो निकालो, यू हैव 5 मिनट्स, निकालो। वो सवाल थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करे क्या थोड़ा है, ठीक ठीक ठीक, चलो थोड़ा ज़्यादा लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा भैया, थोड़ा क्लॉक है, क्या है क्लॉक, हैं कौन फास्टिंग पे, फास्टिंग पे है रे, किसके लिए फास्टिंग किया, खुद के लोग थोड़े,
किसको बेवकूफ बना रही है रे? सर देखिए इधर, देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 क्या बना रहे हैं वो? हाँ तो दे दो, वहीं दिखाओ, वहीं दिखाओ ना। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक। निकालना है एफ नेट एट सेंटर, सेंटर पे एफ नेट कितना होगा हमको ये निकालना है, एफ नेट एट द सेंटर ऑफ द क्लॉक निकालना क्वेश्चन, एफ नेट एट द सेंटर ऑफ द क्लॉक, ठीक है। ये क्लॉक दिख रहा है, सी क्या है? सी कूलम चार्ज है, 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम, 12 कूलम, यहाँ पे घड़ी के ये दोनों डिस्टेंस है वो मीटर है। हमको बताना है कि भैया नेट फोर्स कितना हुआ इस चार्ज पे, ठीक है। यही पानी मुझे दिया पीने के लिए भी, जस्ट ये दी थी। अच्छा लग रहा है कि कल का पानी है क्या, आज पानी है? है इतना नहीं हुआ, 10 साल पहले ऐसे बोतल आता था, डिजाइन वाला बोतल तो पुराना है, यहाँ पे साला बोतले में जग मार गया। चलो ठीक 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 ठीक, चलो देखते हैं, चलो 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 देखते हैं, चलो अब बताओ इस पे कौन सा कलर आ गया है, इस पे इस फोर्स के द्वारा कैसा होगा रिपल्सिव हो तो सब प्लस चार्ज है, सब प्लस है, सब प्लस है, सब प्लस चार्ज है, सब क्या है प्लस चार्ज, ठीक। दोनों क्या रिपल्सिव होगा, दैट मीन इसके द्वारा यहाँ लगने वाला फोर्स इस तरफ इस डायरेक्शन में होगा और इसके द्वारा फोर्स लगने इस कूलम द्वारा इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत? तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 12 कूलम, फोर्स एक पे ड्यू टू 12, और ये क्या हो गया फोर्स एक पे ड्यू टू 6, ठीक। तो अब बताओ कि भैया कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा होता तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा तो फोर्स बड़ा, दैट मींस ये बड़ा होगा, दैट मींस इसको इससे माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, जिधर फोर्स बड़ा रिजल्टेंट उधर के डायरेक्शन में आएगा, क्लियर? ये फोर्स बड़ा है दैट मींस रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में आएगा, इसके डायरेक्शन में, ठीक। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा तुम्हारा ऐसे आएगा 6 के डायरेक्शन में, ये आएगा रिजल्टेंट, ठीक। अब ये कितना है ये निकालते हैं, तो ये आएगा भैया, इसको बोलते हैं ये आर बोल देते हैं, ठीक है, इसको आर बोल देते हैं, तो ये आर क्या है भैया, 12 में से छोटा माइनस कर दो, एफ 1 2 1 2 2 12 माइनस फोर्स 1 2 2 6, ठीक है। तो फोर्स 1 2 12 क्या हो गया, के Q1 कितना है 12, Q2 कितना है 1, डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं? माइनस इन दोनों बीच में फोर्स, अब इसके और इसके बीच में के क्यू वन वन क्यू टू सिक्स बट्टा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, कितना क्या बोला था 12k-6k, कितना आ गया 12k-6k, कितना आ गया 6k आ गया, 12k में से 6k गया तो 6k आंसर आ गया, राइट ठीक है। ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 6k, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत बताओ ठीक। तो एक इसको देखते हैं, देखो इधर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है साथ की तरफ, हमको कलर ये ऑरेंज है कि रेड है, रेड है ना, ऑरेंज दिख रहा है, है माइनस में, हाँ छोड़ो चलो अब बताओ इधर ठीक है, तो इधर है तुम्हारा 1 कूलम, इधर है 7 कूलम, तो कौन सा फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला होगा या ये वाला, तो ये 7 कूलम फोर्स इस डायरेक्शन लगा रहा है, हाँ, और 1 कूलम जो फोर्स है इस डायरेक्शन लगा रहा है, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ये देखो ये फोर्स है किसके द्वारा 1 पे, किसके द्वारा 7 कूलम के द्वारा, और ये फोर्स है 1 पे किसके द्वारा 1 कूलम के द्वारा, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा, मतलब नेट इधर आएगा, नेट किधर आएगा, इधर आएगा एक के तरफ, ये रहा ठीक। इसको भी सॉल्व करो तो कितना आएगा, 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, इसको भी सॉल्व करो तो क्या आएगा 6k ही आएगा, सॉल्व कर देख लेना ठीक। अब यदि हम इसमें देखेंगे यहां पे ये रहा और ये क्या फोर्स 1 किसके कारण 8 कूलम के द्वारा, और ये फोर्स 1 पे है किसके द्वारा 2 कूलम के कारण, इसके भी सी एक आएगा और इधर आएगा ये आएगा, ये भी 6k आएगा, ये जो इधर इधर 3 के ये भी 6k आएगा, फिर इधर 4 के डायरेक्शन में आएगा 6k, और इधर 5, हाँ देख लो करके 4 में से देख लो, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 आएगा ठीक। चलो तो अब बताओ यहाँ एंगल कितना हो, ये समझ में आ गया, ये सारा फोर्स, ये सारा नेट फोर्स है ठीक। अब देखो ये कितना है, ये दो ये एक्चुअली कितना बार में डिवाइड होगा, ये ऐसे 12 बार में होगा, यहाँ देखो ये ऐसे थोड़ा फोटो बनाने में दिक्कत हो रहा है, 10 के सामने क्या होना चाहिए था 4, ये रहा 4 ऐसा ठीक है, ये रहा ऐसा ऐसा ठीक। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, टोटल 360 है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो किसी बार भाग देंगे 12 से कितना होगा एंगल 30 डिग्री, दैट मींस एक एंगल कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, 30 30 30 30 30 30 30 30, कोई दिक्कत, ये हो गया 30 डिग्री, 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 कोई दिक्कत है, माथा हिलने लगा, माथा हिल रहा है ऐसे कर रहा है, याद है दिक्कत नहीं ना। अब जो यहाँ पे एक ट्रिक लगाने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, देखो बताए थे वेक्टर में, क्या बताए थे हम, क्या बोले थे, तो वेक्टर नहीं आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगा, मेरा या मेरा पहला क्लास, मेरा पहला क्लास याद करो, हम क्या बोले थे, जिसको वेक्टर नहीं आता उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगा, और क्या हम गर्ल बोल रहे थे, फिर चलो इधर इधर एक वेक्टर एफ है और इधर एक वेक्टर मान लेते, इधर एक वेक्टर एफ है, तो दो वेक्टर एफ है और इनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इधर आएगा, उसका मान भी एफ ही होगा और ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये बताया भाई, बताओ बताया भाई ना,
जो दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो उसके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट भी सेम ही आता है, एफ आता है, और वो कहाँ आता है, 60 डिग्री पे आता है। कोई दिक्कत? ये ट्रिक लगाने वाला है। चलो सर, हमारा क्या था, देखो एक एक यहाँ एक दो एक बना, ये एक दो ये है ना, सब 60 था और यहाँ 30 डिग्री सबका वैल्यू 6K न्यूटन है, ऑब्वियसली 6K न्यूटन यूनिट बल्ब लगाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं है तो भैया आप बात रखो, ये वाला देखते हैं, ये वाला कलर चेंज करते हैं। ये देखो, ठीक, और ये देखो, ये दो फोर्स ले रहे हैं, जो दो फोर्स ले रहे हैं कौन, ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, काउंट करो। ठीक, ये लगेगा, इसका रिजल्टेंट किधर होगा, 60 डिग्री पे, एक दो तो 60, ये रहा रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, 6K के बराबर ही होगा, किसके बराबर होगा, 6K के बराबर होगा। दैट मीन्स यदि हम यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर है जो क्या है, 12K का है। दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं, मतलब हम बात करें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर खत्म हो चुका है, ये वेक्टर आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ से दूसरा कलर से ये ठीक है, ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया, एंगल कितना बीच में, रिजल्टेंट किधर होगा, 60 के बाद 30 60, यहाँ ये रिजल्टेंट होगा इसका, और रिजल्टेंट कितना, 6K ही होगा। डेट मीन्स ये दो, ये गया कितना, इधर आ गया 6 6, कितना हो गया, 12K, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद यहां तक पहुंच गया, कोई दिक्कत? वी हैव टू वेक्टर एंड वी नो द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, और दोनों वेक्टर सेम है, तो एफ नेट बताओ कितना होगा, 2F, दो एक्चुअली हमको कॉस थीटा बाय 2F फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो मत लगाओ, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, एफ नेट फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ नेट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, रूट अंडर, इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F2। ठीक ठीक, तो बताओ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा, रूट अंडर F1F2 के का स्क्वायर 12K का स्क्वायर प्लस 12K का स्क्वायर प्लस 2, एक काम कर रहे हैं समझा, इसको 12K बाद पुट करेंगे, ठीक है, पुट कर लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेना, 12K का स्क्वायर प्लस 12K का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12K इंटू 12K इंटू कॉस कितना है, कॉस 30, कॉस 30 कितना, रूट अंदर 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, हम क्या समझाना चाह रहे थे वो समझ में आया, हम बस बता रहे थे सवाल सॉल्व करते कैसे, आंसर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसा सवाल नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्या हुआ, गिर गया मतलब, ठीक है, ए क्या हो गया, अभी तुम लोग हालत खराब हो गया, फास्टिंग में है, चश्मा लोग कैसे पहनता है यार, मुझे तो हेडेक लगता है, है? छोड़ो ना फ्रेम, यहाँ पहले पढ़ो ना,
लड़का का चश्मा लड़की को कैसे ऐसा लगेगा। चलो ठीक देखते हैं, चलो देखते हैं। ठीक देखो देखो देखो, आंख लगा तुम लोग कैसे काम चला बताओ। इसके दो ये दोनों प्लस चार्ज यहाँ लगेगा फोर्स, इसके द्वारा इस पर यहाँ फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इस पर यहाँ फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इस पर यहाँ फोर्स लगेगा, मतलब सारा फोर्स क्या है सेम डायरेक्शन में है, सिंपली ऐड कर देंगे सारा फोर्स, सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है सारा फोर्स सिंपली ऐड कर देंगे। अच्छा देखो यहाँ ये इसको बोल देते हैं वन और ये बोल देते हैं टू, ये बोल देते हैं थ्री, ये बोल देते हैं फोर और ये है तुम्हारा बीस। ठीक है तो नेट फोर्स क्या होगा बताओ, एफ नेट ये होगा भैया फोर्स, ये क्या है तुम्हारा, इसको जीरो बोल देते हैं। ठीक है तो जीरो बोल देते हैं। ठीक तो फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू थ्री फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू फोर ऐसा चलेगा, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू ट्वेंटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो आ, 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 ये वाला ये कितना होगा, डिस्टेंस कितना है वन मीटर, कितना है वन मीटर, तो बोलो फोर्स के क्यू वन कितना है वन, क्यू टू वन बाय डिस्टेंस। ठीक अब बताओ यहाँ पे के क्यू वन यहाँ वन है, क्यू टू कितना है डिस्टेंस, क्यू टू डिस्टेंस यहाँ जाता कितना है दू है अरे कोई दिक्कत। सिमिलरली के यहाँ जो वन इंटू सत्ताईस इंटू तीन का, ठीक है तीन है, सिमिलरली चलेगा के इंटू वन इंटू चौसठ इंटू चार का स्क्वायर, ऐसा चलते रहेगा बीस तक। ठीक तुम देखो इसको ऐसे लिख सकते हो वन आठ को ऐसे लिख दो, दो का क्यूब लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर ठीक है, तीन का क्यूब बाय तीन का स्क्वायर और का ठीक। चलो देखो इसको यहां काटेंगे, इसको यहां काटेगा, यहां काटेगा, चलो यहां लिख रहे हैं तो एफ नेट क्या होगा बताओ, के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस फोर के प्लस आगे चलेगा ट्वेंटी तक, ट्वेंटी के हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, के कॉमन निकाल लो क्योंकि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ट्वेंटी, कोई दिक्कत। देखो ये क्या है, ये क्या है सीरीज है, ये सीरीज है, देखो सीरीज क्या बोलता है, सम यदि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस और ये एन तक है तो सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम जो होता है क्या होता है फॉर्मूला एन, एन प्लस वन बाय टू टू होता है। ठीक ये होता है जैसे समूह बोलेगा कि एक से लेकर एक सौ तक का सब नंबर को जोड़ना है, क्या बोलेगा एक से लेकर के एक सौ नंबर, एक से एक सौ तक का सब नंबर को जोड़ना है तो कैसे सम क्या होगा बता दो, तो यहाँ पे ये लास्ट वाला नंबर जो है ये एन कहलाता है, फॉर्मूला क्या हो गया एन, एन प्लस वन बाय टू, डेट मीन सौ, सौ प्लस वन कितना होता है एक सौ एक बाय टू, कट गया पचास, कितना हो गया पचास इंटू एक सौ एक, तो कितना हो जाए बताओ एक सौ एक है पचास है तो कितना बताओ, इधर पाँच जीरो पाँच जीरो पचास पचास, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये तरीका होता है सम का, को अब कोई भी नंबर तुम जोड़ सकते हो ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो तो जोड़ सकते हो। ठीक चलो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कितना बीस तक है, यहाँ पे कितना तक है बीस तक है, हो गया के तो बताओ वन प्लस टू प्लस थ्री और बीस तक है तो क्या हो गया फॉर्मूला एन, एन प्लस वन बाय टू, तो एन कितना है ट्वेंटी, ट्वेंटी वन बाय टू कर गया कितना हो गया दस, कितना हो गया दो सौ दस, तो कितना हो गया दो सौ दस, तो एफ नेट कितना आ गया भैया 210 के न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया,
इसी प्रकार तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ये इसी प्रकार बनेगा। तो तुम यहाँ देखो, यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम चल रहा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इससे कोई मतलब नहीं है, इसके लगने वाला फोर्स को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे लगने वाला फोर्स को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इससे लगने वाला फोर्स को इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, अब इसके बीच में इससे लगने वाला फोर्स को इन सब से कोई मतलब नहीं है। सबका इंडिविजुअली फोर्स निकाले हैं और सबका इंडिविजुअली फोर्स निकाल करके सबको क्या कर दिए, एड कर दिए, इसे क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक, उसी पे कुछ सवाल करवाएं और सवाल का कोई अंत नहीं है, सवाल इनफिनाइट टाइम तक चलता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन इस पर करवा दिए। ठीक, चलो और क्वेश्चन करवाए बताओ, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन करवाए।